हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और वेडनेसडे। और अभी मेरा 2-3 काम निपट चुका है क्योंकि मैंने नहा के पूजा कर लिया। अभी टाइम हो रहा है 7:30, क्योंकि आज सुबह सुबह आज क्या मतलब कुछ दिनों से सुबह सुबह ही पूजा कर रही हूँ, तो मैंने अभी 2-3 काम बस निपटाए हैं और बाकी मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी। अभी जस्ट चाय मैं पी हूँ और उसके बाद अभी जाऊंगी। नाश्ता मैंने बच्चों के लिए आलू की सूखी सब्जी और रोटी बनाई थी, तो नाश्ता में मैं वही दे दूंगी सबको आज। और आज मैं बनाऊंगी बेसन की सब्जी, बेसन की जो चिल्ला बनता है ना उसको डाल के सब्जी बनाऊंगी। अभी गुनगुन को रेडी करना है स्कूल के लिए, और बाकी चारों तरफ बिखरा पड़ा है, कोई कुछ कुछ नहीं हुआ है अभी। किचन, बाहर, बच्चों का रूम, मेरा रूम, चारों तरफ बिखरा पड़ा है। मैं अभी दिखाती हूँ क्या स्थिति है मेरे रूम की। और कल पता है मैंने ना, दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंड हो रखा है, तो बच्चों के लिए मुझे निकालना था फुल, जो फुल स्लीव का जो होता है ना टी-शर्ट, वो तो कल का मतलब कल बहुत सारा टी शर्ट, मतलब युग का तो नहीं, गुनगुन का ही मैंने निकाला था। कल निकाल के धोया, फिर कुछ छोटे हो गए थे, तो यहाँ पे देखिए मैंने चेयर पे रखा है, उसको हटाना है। और बहुत सारे चीजें हैं जो कि पूरे बिखरे पड़े हैं, तो चलिए आप लोगों के साथ बातें करते करते निपटा भी लेती हूँ, उसके बाद सारे मेरे काम भी निपट जाएंगे। गुनगुन का बेड है, अभी जस्ट सो कर उठी है और बड़े पापा के रूम में गई है। और ये मेरा बेड है, बिल्कुल इसी तरह पड़ा हुआ है, पूरा डाइनिंग टेबल, किचन सब बिखरा पड़ा हुआ है कोई। और यहाँ पे है पता है, उतने पटाखे जलाने के बाद यहाँ पे इतना पटाखा बचा हुआ है, छठ के दिन जलाने के लिए रखे हैं सब। और यहाँ पे देखिए सारे किचन में वही हालत है, तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या क्या करना है, फटाफट निपटा लेती हूँ। अच्छी लगती है, थोड़ा सा अदरक वदरक डाल के बनाओ ना, मुझे आ जाता है पूजा। कल पता है, कल भैया दूज था ना, तो पता है पीयूष को मैंने बहुत मिस किया, क्योंकि वो रहता है ना, तो बक्सर में एक जाने का वो रहता है कि पीयूष है, मम्मी है, मम्मी तो है वैसे, पीयूष तो दिल्ली रहता है, तो जो चना होता है ना वो लेकर कभी कभी, एक होता है कि उसी बहाने जाना है बक्सर के, हाँ भाई भाई को खिलाना है तो जाना है, टीका करना है, पर ऐसा नहीं होता है, क्या करे, लेकिन जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ना है नहीं। तो चलिए चाय मेरी बन गई है और इसमें गुड़ डाल के बस उसको दे देना है। घर में पता है 1000 तरीके के काम होते हैं, ऐसा होता है ना कि अभी एक बाहर 3 लोग आए थे तो चाय गया, फिर मैंने चढ़ाया यहाँ पे कॉफी माँ के लिए और गुनगुन के लिए दूध, उसके बाद गुनगुन का लंच तैयार करना है, अब उसे नहलाना है, बाकी सारे काम अभी मतलब पड़े ही पड़े हैं। काम तो पूछो मत, मतलब सुबह उठो ना ऐसा लगता है एकदम चार्ज नहीं रहेगी ना बॉडी, तो चलेगी नहीं हो ही जाता है। तो अभी मैं दूध देख के उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। माँ अभी वेट कर रही है कॉफी के लिए, क्योंकि वो सुबह में चाय पीती है और एक टाइम मतलब उसके बाद वाले चाय की जगह पे कॉफी लेती है, और शाम को ही कॉफी पीती है, फिर चाय बस एक ही टाइम पीती हैं, उनको कॉफी अच्छा लगता है, तो कॉफी बस मैं बना के दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
बचपन की मैं सरसों वाली सब्जी बना रही हूँ उसके लिए मैंने लिया है 2 प्याज ले लिया है और मैं इसे सबको पीसूंगी। और हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची आप अपने तीखापन के मतलब हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ का थोड़ा सा सरसों है और 1 लहसुन है जिसे मैं छुड़ा लेती हूँ अभी, और थोड़ा सा जीरा या तो आपके पास पाउडर है या फिर कुछ भी, तो मैं थोड़ा सा इसमें जो जीरा भी बोती हूँ मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको मैं पीस लूँगी, सारी चीज़ों को एक साथ पीस लूँगी, उसके बाद इसका मतलब ग्रेवी बनाऊंगी। तो चलिए मैं पीस के आप लोगों के साथ आगे का डिटेल शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और इसमें थोड़े थोड़े सूखे मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गोल मिर्च, ये सब चीज़ों को डाल के और चिल्ला के लिए रेडी कर दूंगी इसको। मैंने बेसन का घोल बना लिया है, पहले मैं मसाला इसमें डाल के भून लूंगी और एक साइड मसाला कर दूंगी, उसके बाद इधर मैं चिल्ला की तैयारी करूंगी। तो पहले सबसे पहले मसाला जो मैंने दिखाया था आपको पीस लिया है इसमें, मैंने थोड़ा सा पचफोरन डाला, इसमें थोड़े से मसाले लगे तो वो पानी डाल के डाल देते हैं। हल्दी, गरम एक तरफ से पक गया है, उसे ये देखिए बन के रेडी हो गया। दरअसल मैं जो सब्जी का जो होता है ये ना इसको थोड़ा पतला बनाना चाहिए, ये मेरे को उसे मोटा हो गया है ताकि वो आसानी से मोड़ दे और उसके बाद वो मतलब पीसेस में कट जाए। कुछ इस तरीके से हमें काटना है इसको, सारे छिल्ले को मैं ऐसे ही बना लूंगी। हरी मसाला भून के रेडी हो गया है, इसमें मुझे नमक डालना है, हल्दी डालना चाहिए और गर्म पानी करके मैं गर्म पानी डालूंगी इसमें और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि सरसों वाली सब्जी में थोड़ी सी खटाई मतलब जाती ही है और ये गर्म पानी है इसमें डालूंगी। अपनी ग्रेवी के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी डालना है या फिर कम, उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो ग्रेवी बन के रेडी हो गई है और मैंने इसको इसमें रख लिया है क्योंकि इसमें से बार बार पलटा पलटी करने से ना वो बटर टूट जाएगा, बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रेवी में जाएगा तो और इसी में मैं ग्रेवी डाल देती हूँ और इसके से थोड़ा सा धनिया पत्ता, और सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो बताइएगा कैसी बनी है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। और पता है सब्जी ना सच में बहुत टेस्टी बनी है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं थोड़ा सा चावल बनाऊंगी और पता है करेले की सब्जी थी रात की थोड़ा सा, तो मैं सोची कि नहीं बनाऊंगी, और आलू का जो मैं सूखी सब्जी बनाई थी नाश्ते में वो भी बचा हुआ है, और दाल थोड़ा सा बना दी बच्चों के लिए और चावल हो जाएगा। तो आज मेरा दोपहर का खाना, तो कॉफी बन के रेडी हो गई, अभी मैं कपड़ा डाली हूँ बाहर, थोड़ी देर बाद लेकर आऊंगी कपड़े को। और उसमें से पता है छठ की तैयारी भी हो रही है, छठ की तैयारी इन सेंस ना पीछे हम लोग का छठ हम लोग के घर में ही होता है, जैसे कि बहुत लोग गंगा जी जाते हैं घाट पे जाते हैं तो, पर यहाँ पे हमारे यहाँ ही होता है। मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे माँ कलर वलर करवा रही थी और जितना गमला है सारे गमले को पेंट करवा रही थी, अच्छा लग रहा है उस घर। तब से माँ बाहर ही थी तो अभी जस्ट आई हूँ बाहर से,
और ये भी आए हैं, हम रूम में बाइक की पिक्चर देख रहे हैं, अभी अपने रूम में है। तो चलिए कॉफी बन गई मेरी, आप लोगों को मैं बोलती हूँ पी लीजिए, पर क्या करूँ यार, मैं दे नहीं सकती यहाँ से। आफ्टरनून, आज इन लोग की स्कूल की पहला दिन, मतलब छुट्टी के बाद पहला दिन है, और गुनगुन बुरी थकी थकी सी लग रही है। क्या हुआ कि थक गई? अरे सूज तो खोल दो, तुम क्यों इतने काले जैसे लग रहे हो? बिल्कुल धूप से बच्चे आते हैं ना तो हो ही जाता है। और लंच फिनिश हुआ है कि नहीं? क्या क्या बचा है लंच में? सब्जी बची है। हाँ तुम्हारी? थोड़ी सी बची, सब्जी थोड़ी सी, मतलब इतनी। अच्छा इतनी क्वांटिटी जरा देखिए इनकी। तो चलो फटाफट चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ओके कपड़ा वपड़ा पता है मैंने धोया था, तो भाभी कपड़ा ला के रख दी थी, तो चारों तरफ फोल्ड करके अब चलती हूँ बच्चों के रूम में, क्योंकि होमवर्क करवाना है। गुंगू को भेजी हूँ, अभी बुक्स लेकर गई है बस, और चीकू के रूम का चीकू का कपड़ा लेके जा रही हूँ। देखती हूँ क्या करते हैं, अंधेरे में बैठे। बैठना तो पड़ेगा ही, स्पेशली गुंगू के साथ। यू के साथ भी बैठती हूँ, पर यू को उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गुंगू के साथ तो जरूरत पड़ती है। और कल बोली है कि मम्मी पेरेंट्स को बुलाया गया स्कूल में, मैं बोली चलो ठीक है कल आते हैं तुम्हारे स्कूल में, देखते हैं किस लिए बुलाया गया है। आ जाओ फटाफट डायरी लेके। गुंगू अपना होमवर्क बोली है कि मुझे दिखाना है क्या मिला है। मम्मी दिखाओ जल्दी फटाफट दिखाओ। ये मिला है? हाँ। अच्छा 27। चलो फटाफट कंप्लीट करो उसको। ठीक है। और हेलो बोल दो सबको। हेलो। सब अपने अपने काम पे लग गए हैं, मेरे काजल पत्ता फैल गया है। अक्सर में क्या होता है ना, काजल वजल लगाती हूँ पूछती रहती हूँ, इस वजह से फैल जाता है। तो कभी कभी अरे झगड़ा नहीं करो ना। क्या करूँ? ठीक है अपने अपने काम करो फटाफट। ठीक है यहाँ रखो। ओके चलो फटाफट करो। 4 बज रहे हैं शाम के, अभी 4 बजे, हाँ 5:30-6 बज तक तो मैं रहूंगी इन लोगों के साथ। इनका इन लोगों का जो होमवर्क है कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा भी देती हूँ। दरअसल क्या होता है ना कि युग की थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लिखने लगा है। तो उसको एक होता है ना कि मतलब जब तक अच्छे से बताया नहीं जाए तब तक ये लोग करते नहीं है, और होना भी चाहिए। आपको पता है पहले के हिसाब से बहुत अच्छी होती जा रही है, मतलब पहले तो बहुत मतलब गंदा था, राइटिंग पे ध्यान ही नहीं था। मैं भी थोड़ा सा लापरवाही जैसा कर देती थी कि नहीं करो चलो चलो ठीक है, लेकिन अभी देखिए अभी ठीक कर रहा है। अभी एक होता है ना कि किसी के लिए मजबूत होना हो, पर अपने लिए तो इनको लोगों को मजबूत होना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम झेलनी रहती है सबको, तो बच्चे हैं। तो एक होता है ना कि पौधा लगाओ और उसे सींचो नहीं, तो बस वही है हालत। पौधा तो लगाए हम लोग, लेकिन उसे अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए हम लोगों को, और पूरी की पूरी मतलब फोकस रहती है कि इन लोग पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए बच्चों पे, ताकि उनके उज्ज्वल भविष्य में काम आ सके ये सब चीजें। और सिखाती भी हूँ कि मतलब ऐसे करो वैसे करो, और बच्चे भी अच्छे हैं कि सीख जाते हैं। तो चलिए मेरा वीडियो लंबा होता जा रहा है, और अब अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, तो भी कर दो बाय 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 योग बाय बाय।